हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल EFCI। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो लेके आया हूँ। तो जो सिंपल सवाल हैं वो मैंने इसमें नहीं रखे हैं, क्योंकि सिंपल सवाल तो वैसे भी फॉर्मूले से हो जाएंगे। जो सवाल टफ़ हैं और इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, मैंने केवल वो सवाल इस वीडियो में रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को लाइक भी करना। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो उसी दर पर 2 वर्ष में उससे दुगने मूलधन पर उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए कोई भी मूलधन हो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलेगा, 5 × 20%। तो हमें 100% धन पे 20% ब्याज मिला कितने रुपए, 1000 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उसी दर पे 2 वर्ष में उससे दोगुने मूलधन पर ब्याज चाहिए, तो मूलधन कितना है, दोगुना। तो मूलधन दोगुना होगा यानी कितने परसेंट होगा, 200%। ठीक है, इनटू अब वो कह रहे हैं कि जो दर है वो वही है लेकिन समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों पहले साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 5%। दूसरे साल में जो हमें ब्याज मिलेगा वो 5% पे भी 5% ज़्यादा मिलेगा, तो 5 × 5% कितना होगा, 0.25। यानी पहले साल में हमें मिलेगा 5% और दूसरे साल में हमें मिलेगा कितना, 5.25%। यानी टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 10.25%। तो ये ब्याज हमें बताना है कितना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, 100% मूलधन था, 4 साल में 5 के हिसाब से 4×5 20% ब्याज मिला कितना, 1000 रुपये। तो अब दुगने मूलधन पे यानी 200% पे इनटू 10.25 पे, पहले साल में 5% और दूसरे साल में 5.25%, टोटल कितना हुआ, 10.25% ब्याज कितना होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे कितने बचे, 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। x बराबर कितना बचा, 10.25, यानी ब्याज कितने रुपए होगा, 10.25 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 36/25 गुना हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं वो कि 25 रुपये 36 कब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे करने का तरीका ये है कि जो भी बटे में आपको दिए गए हैं, ये संख्या दी गई है बटे में, उसे लिखें। अब आपको पूरे टॉपिक में एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ जहाँ 2 वर्ष मिलेगा वहाँ आपको वर्ग को वर्गमूल करने हैं, और जहाँ जहाँ 3 वर्ष मिलेगा वहाँ पे घनो घनमूल। तो यहाँ पे 2 वर्ष है। ठीक है, अगर दो वर्ष दिए हैं तो तुम्हें वर्गमूल करना है, अगर दर दी है तो तुम्हें वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष दिए हैं तो हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6/5। ठीक है, यानी 5 रुपये का मूलधन कितना हो गया, 6 हो गया, कितना बड़ा, 1 रुपये। तो हम निकाल सकते हैं 1 रुपये बड़ा कितने रुपये पे, 5 पे। वैसे अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का गुणा, तो हमारी दर निकल गई कितनी आएगी, 20%। तो 20% दर हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 1.6 गुना और 7 वर्षों में 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि 5 वर्ष और 7 वर्ष कितने वर्ष का अंतर है, 2 साल में जो 1.6 रुपये थे वो कितने हो गए, 2.5, जो 1.6 रुपये थे वो कितने हो गए, 2.5। अब देखो फिर वही कंडीशन, 2 वर्ष हो गए, जहाँ 2 वर्ष आ जाए वहाँ हमें क्या करना है, वर्गमूल। तो इनका वर्गमूल करेंगे तो पहले पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे तो कितना निकल के आएगा, 5/4, यानी हमारे 4 रुपये कितने हो गए, 5 रुपये, कितने बढ़ गए, 1 रुपये। तो 1 रुपये बढ़े कितने रुपये पे, 4 रुपये पे। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो इसका निकल के आएगा आंसर 25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल में कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितने गुना होगा, 2 गुना। तो पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा।
हम मान लेंगे एक्स वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना। अब देखो इसे करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 2 गुना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी 2 गुना करना है, ठीक है। तो अगर हम इसे 2 गुना करना चाहें तो हमें इसे क्या लिखना होगा, 2 की पावर 3, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ये कंडीशन होगी, ठीक है, 2 की पावर 3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इस 3 का गुणा इस 5 में हो जाएगा, तो हो गए 3×5=15%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 है, तो दर क्या है, ठीक है। सिंपल सवाल है, 2 वर्ष में हमें 800 रुपये की मिला साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज तो हर साल समान मिलता है, तो अगर 2 साल में 800 मिला तो 1 साल में कितना मिला होगा, 400, यानी पहले साल में 400 मिला होगा, दूसरे साल में भी 400 मिला होगा, और टोटल हमें कितने मिले, अगर इन्हें प्लस किया जाए तो कितने मिलेंगे, 800 रुपये मिले। तो देखिए पहला वर्ष चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो साधारण ब्याज का हो, दोनों समान मिलते हैं, ठीक है। तो पहले साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना मिला होगा, 400, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना मिला है, 820, तो अगर पहले साल में 400 होगा तो दूसरे साल में कितना होगा, 420, तभी जाके तुम मिला के कितने होंगे ये 820 रुपये, ठीक है। तो 400 ब्याज था, 420 एक्स्ट्रा, यानी ब्याज पे भी परसेंटेज लगी होगी, तो कितने परसेंट ब्याज मिला अपन को, तो चार, तो कितने परसेंट ब्याज मिलेगा हमको, 400 थे 420 हो गया, 20 ज़्यादा हो गए, तो ये अपने होंगे 20 रुपये, कितने पे ज़्यादा हो गए, 400 रुपये पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे, 5% हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 30-25 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले साल में ब्याज 10% मिलेगा तो अगले साल में 10 पे भी 10% लगेगा, यानी अगले साल में 11% ब्याज मिलेगा, 10 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1, और वो 1 10 में जोड़ देंगे तो 11, यानी अगले साल में इतना ब्याज, तो टोटल कितना ब्याज मिला, 21%, ठीक है। तो जो हमारा मूलधन था वो अपने आप में 100% था, ठीक है, जो मूलधन था वो 100% था अपने आप में, कितना था हमें नहीं पता, और यही मूलधन हमें बताना है, तो मूलधन मान लेंगे कि 100% बराबर x था, लेकिन जब उस पर 21 ब्याज मिला और वह 100 से 121 हो गया, तो वह कितना हो गया, 30-25 रुपये, ये हमारा मिश्र धन है जो मिश्र धन के सामने रखा हुआ है, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 11 से काटें, 11 से काटेंगे 11 बार, 11 से जब हम इसे काटेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बची 82, 11 7 77 और 11 5 55, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 5 55, इस 25 का गुणा करेंगे हम इस 100 में, तो 25 गुणा 100 करेंगे तो कितने आगे निकल के 2500, ये 2500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वह धन क्या है। ये सवाल सबसे सिंपल सवाल है, हम मान लेंगे हमारा मूलधन एक्स है, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखें, इसमें अगर पहले साल में 10 मिला है तो दूसरे साल में 10 पे ज़्यादा बढ़ के ही मिलेगा, ठीक है। इस सवाल में हमें ये करना है कि जो हमारा ब्याज है उसे हमें दोनों तरफ लिखना है, यानी साधारण ब्याज पे किस प्रकार मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज पे किस प्रकार। साधारण ब्याज पे तो हमें पहले साल में 10 मिलेगा तो अगले साल में भी 10 मिलेगा, टोटल कितने मिलेंगे, 20, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें पहले साल में 10 मिलेगा और अगले साल में 10 पे भी 10%, 10 का 10% 1 रुपये, मतलब 1%, और 10 में 1% जुड़ेंगे तो 11%, यानी अगले साल में कितना मिलेगा, 11%, तो टोटल कितना मिलेगा, 21%, ठीक है। तो पहले साल में हमें, सॉरी, 2 साल में हमें साधारण ब्याज मिलेगा 20%, लेकिन चक्रवृद्धि मिलेगा कितना, 21%, यानी कि कितने परसेंट का अंतर हुआ ब्याज में, 1% का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सा रख सकते हैं कि 1% बराबर 800, तो 100% बराबर हमारा मूलधन क्या है, ठीक है। 1% बराबर अगर हमारा धन 8 रुपये निकला तो 100% बराबर हमारा जो धन है वह कितना होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा धन कितना निकल के आएगा, 800 हमारा आंसर होगा। इसी करने का एक और तरीका भी है, मान लीजिए कि मूलधन एक्स है, पहले साल में उस पर 10% ब्याज मिला और अगले साल में उस 10 पे भी 10% ब्याज मिला, कितना, 8 रुपये। इसे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 800 रुपये। ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है, इस वाले तरीके से सवाल करेंगे। अगला सवाल है, 5%
प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में एक धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर 122 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? इसे भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा एक्स मूलधन है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, 2 वर्षों तक तो हम ये प्रक्रिया लगाएंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए एक अलग चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ। एक्स मूलधन था, पहले साल में कितना मिला? 5% ब्याज, 5% 100 है ये। अगले साल में हमें फिर 5% मिला। अब तीसरे वर्ष में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 5 लिखना है उसमें हमें 300 + 5 लिखना है, तब आंसर निकलेगा, ठीक है। तो जब हम 300 + 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 305। ये 300 इसलिए रखे हैं क्योंकि ये सवाल तीन साल वाला है, ठीक है। 2 साल वाले में कुछ नहीं करना पड़ता, 3 साल वाले में ही 300 रखना है। 300 + 5 305 हो गया परसेंटेज के लिए, तो वही 100 नीचे रखेंगे। कितना ब्याज मिला है, मतलब कितना ब्याज का अंतर है? 122 रुपये, ठीक है। क्योंकि हमने x इसका 5% का 5%, बस तीसरे साल में हमने 305 कर दिया, बराबर में रख दिया ब्याज। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 61 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 61 से काट देंगे 2 बार, तो 2 × 4 × 8 हो गया 8000। 8000 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे निकल के? 16000 रुपये ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किसी धन पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपये है, तो इसी धन पर इसी समय से इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अगर 1 साल में 10% ब्याज मिला है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 10 और 10 20%। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पहले साल में 10 मिलेगा, दूसरे साल में 11, क्योंकि 10 का 10% बढ़ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा? 21%, ठीक है। तो अगर हमें साधारण ब्याज 20 = 4000 मिला है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें 21 = कितना मिलेगा? इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 दो से काटेंगे इसे 200 बार, और इसका गुणा करें 4200 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, यदि कोई धन 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2400 रुपये हो गया तो वह धन उसी दर से उसी समय में कितना हो जाएगा, ठीक है। 10% की दर से 2 वर्ष में, तो 1 साल में धन बढ़ेगा 10, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 20। चक्रवृद्धि पर बढ़ाएंगे तो 1 साल में 10, तो अगले साल में 11, कितना? 21। अब लेकिन इस सवाल में एक चीज़ याद रखना है, इसमें ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है, 2400 रुपये हो गए, ठीक है। तो जो 100% था उसका 20 बढ़ा तो वो कितना हो जाएगा? 120%, और जो 100 था उसका 21 बढ़ा तो वो कितना हो जाएगा? 121%। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन कितना हुआ? 120% बराबर 2400। तो जब इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे, साधारण ब्याज पर हुआ 2400, चक्रवृद्धि पर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 12 से काटेंगे 20 बार, और 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 = 2420 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर बनी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट